सिरसा के कुमार धोबी क्षेत्र के सिबलीबाड़ी रहमतनगर में रियाज अहमद के घर चोरों ने खिड़की तोड़कर चोरी कर ली। चोरों ने 3 लाख नगद सहित 20 लाख के जेवरात की चोरी की है और चोरों ने आलमीरा और लॉकर्स में रखे 3 लाख नगद समेत 20 लाख के जेवरात पर अपना हाथ साफ कर लिया। वहीं पीड़ित की कुमार धोबी बाजार में इलेक्ट्रिक की दुकान है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करनी शुरू कर दी है। मामला चोरी का है, हम लोगों को सूचना मिली, इसकी तहकीकात करने के लिए आए हैं और अभी जांच कर रहे हैं। देखिए बात कहां तक जाती है। और हमको लगता है ये मिली भगत पहले से चोर को जानकारी है, जैसा बताया गया है घर के लोगों के द्वारा। हम लोग सो रहे थे, सुबह हम 4:30 में फजर के नमाज के लिए उठे, नमाज छूट गया मेरा मस्जिद में, घर में ही हम तो नमाज पढ़े, फिर हम हॉल में सो गए बेडरूम में। इसके ठीक आधा घंटे के बाद, उस वक्त तक हमको कुछ नहीं पता, आधा घंटे के बाद फिर मैडम मेरी उठ के आई, सब लोग हम छत पे सो रहे थे, मैडम मेरी नीचे उठ के आई तो हमको बोली इसकी चोरी हो गई। उतने में उठे थे, फिर हम सर्चिंग किए तो हम यही सोचते रह गए आधा घंटा तक कि कोई आदमी अंदर आया कैसे, जो मेरा घर चारों तरफ से लॉक था और ऊपर का चाबी लेके हम सो गए, तो वो भी चाबी मेरे पास थी, हम खोल के नीचे उतरे। आधा घंटे के बाद हमको पता चला कि गली की खिड़की में ग्रिल टूटा हुआ, उससे अंदर आया है और घर के चारों तरफ में दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा में लॉक नहीं था, बाकी सब में लॉक था, अंदर से लॉक लगा हुआ था, एक में लॉक नहीं था, वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकला।